बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जशपुर के दौरे पर हैं। स्थानीय कार्यक्रम के साथ ही लोकार्पण और आम सभा में भी वो शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार रायगढ़ से रवाना होकर 12 बजे पहुंचेंगे जशपुर और जशपुर में अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करेंगे। रजिता स्टेडियम जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद आम सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। जशपुर में पुरातात्विक संग्रहालय गढ़ कलेबा और जंगल बाजार का भी सीएम निरीक्षण करने वाले हैं। और अधिक जानकारी के साथ शिवम मिश्रा सहयोगी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। और जिस तरीके से देखा जाए शिवम, यहां पर दौरा है, काफी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे, चाहे वो लोकार्पण कार्यक्रम हो या फिर वहां पर आम सभा को संबोधित करना हो। क्या कुछ कार्यक्रम है और कहां से सीएम चलेंगे और पूरे दिन का ये कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? जी दीपक जी, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 तारीख को 4 दिवसीय सघन दौरे पर निकले थे, इसी के तहत आज 4 दिसंबर को तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर के दौरे पर रहने वाले। 11 बजे रायगढ़ से रवाना होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहुंचेंगे और वहां पर स्कूल का निरीक्षण करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीते शिक्षा सत्र पे राज्य सरकार द्वारा ये योजना निकाली गई थी। राज्य सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना थी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, जो चाहते हैं कि जो निचले स्तर तक प्रदेश के वो परिवार है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर के बच्चों को प्रतिभाशाली नहीं बना पाते, अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर नहीं पढ़ा पाते, इसी के तहत राज्य सरकार ऐसे सैकड़ों स्कूल प्रदेश भर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोली थी, जहां पर टेक्निशियन लैब वहां पर अन्य सुविधा कंप्यूटराइज सब चीज सुविधा, उन सभी तमाम सुविधाओं का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर करने वाले, जिसके बाद रजिता स्टेडियम पहुंचकर तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर के स्टेडियम से निकलकर पुरातात्विक संग्रहालय गढ़कलेवा और जंगल बाजार का निरीक्षण करने वाले हैं। तो इसके बाद ही वहां से निकल के एथनिक सरेना रिसोर्ट पहुंचकर समाज के प्रमुख संगठनों से चर्चा करेंगे और इस लंबी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रिसोर्ट पर रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह ही रिसोर्ट में वहां पर पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद धान खरीदी केंद्र और इसी के साथ ही वहां पर तमाम ऐसे कार्यक्रम है जहां पर शामिल होकर के वे वापस रायपुर आने वाले हैं। तो इन सभी लगातार दौरों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बात के मायने निकाले जा रहे हैं कि राज्य सरकार जो है इस वक्त काफी ज्यादा मोड पर एक्टिव नजर आ रही है, 2023 की तैयारी पर लगी हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगे हुए हैं। तो ये तमाम जो दौरा है आज भूपेश बघेल का ये इस प्रकार रहने वाला है और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा खत्म होते ही वे यहां से बिलासपुर होते हुए रायपुर पहुंचने वाले हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शुभम। और आपको बता दें कि यहां पर पूरे दिन का कार्यक्रम है, जशपुर दौरा है, लगातार सीएम दौरा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नहीं, दौरों को लेकर आने वाले चुनाव 2023 की तैयारी कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल अभी से करना शुरू हो गए, इसलिए वो जमीनी स्तर पर क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के द्वारा वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं, या फिर सरकार की योजनाओं का लाभ कितना क्या मिल पा रहा है उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार विकास कार्यों की लोगों को सौगात भी दे रहे हैं, जिसके तहत आज उनका दौरा है जशपुर का। और स्थानीय कार्यक्रमों के साथ लोकार्पण और आम सभा को भी संबोधित करेंगे आज सीएम भूपेश बघेल। अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी निरीक्षण करेंगे, काफी महत्वाकांक्षी योजना है अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, और उसका निरीक्षण करने के बाद रजिता स्टेडियम में पहुंचेंगे जहां पर विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं रायपुर से ही एक और बड़ी खबर है, जहां पर भाजपा प्रभारी डी पुरदेशमुरी का पहला आज छत्तीसगढ़ दौरा है। 7 दिसंबर को रायपुर प्रवास पर रहेंगी प्रदेश प्रभारी डी पुरदेशमुरी। प्रदेश में जल्द होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, ये प्रस्तावित है भाजपा कैडरों की स्थिति जानने के लिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले प्रदेश प्रभारी तैयारियों का जायजा लेंगी, सांसद विधायकों के साथ
संगठन के नेताओं से भी मुलाकात है। तय और पार्टी के आगामी रणनीति पर भी चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। और एक बार फिर से जुड़ गए हैं सहयोगी शिवम। शिवम, जिस तरीके से जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका दौरा होने वाला है, उससे पहले जो प्रदेश प्रभारी हैं वो तैयारियों का जायजा लेंगे, क्या कुछ तैयारियों का जायजा लेने वाली हैं? और जिस तरह से हाशिए पर पहुंचती जा रही है छत्तीसगढ़ में भाजपा, क्या एक ही चिंता का विषय है आने वाले चुनाव में, जिसलिए जेपी नड्डा यहां पर आकर निरीक्षण करेंगे और वास्तविक जमीनी हकीकतों को जानने के लिए वो आने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से 2018 के चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हाशिए के स्तर पर नजर आ रही है, इस वक्त लगातार पार्टी जो है काफी ज्यादा टूटती हुई नजर आ रही है। तो क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद जो है एक तरीके से कार्यकर्ताओं का भी और संगठन के बड़े नेताओं का भी हौसला जो है वो टूटता हुआ नजर आता है। तो इसके साथ ही अभी दिल्ली से आला कमान से जिस तरीके से वहां पर प्रभारी की नियुक्ति की गई थी और दीपू इंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाया गया था, छत्तीसगढ़ की पहली महिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की दीपू इंदेश्वरी को बनाया गया है। इसके बाद भी जेपी नड्डा भी लगातार इस बात से कयास लगाए जाते हैं कि जेपी नड्डा का भी जल्दी दौरा हो सकता है छत्तीसगढ़ पर और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए जेपी नड्डा भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये तमाम मायने हैं जो 2023 के चुनाव को चुनाव की तैयारी को नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से दोनों ही पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, दोनों ही पार्टी 2023 के चुनाव को हल्के पर लेती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि 3 साल है अभी चुनाव को, लेकिन इसके बाद भी दोनों ही पार्टी तमाम रणनीति को लेकर के तैयारी पर जुट गए हैं। जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उत्साह भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 7 दिसंबर को डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाली है। रायपुर आने के बाद वे सांसद विधायकों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेगी। इसके साथ ही इस बात का भी संदेश लेकर के आ सकती है कि आने वाले किन तारीखों को जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं और तमाम तैयारियों का जायजा भी लेने वाली है। तो डी पुरंदेश्वरी के आने से और ऐसे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं के आने से छत्तीसगढ़ से जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आने वाली रणनीति भी तय की जा सकती है चुनाव को लेकर। चलिए, अगली खबर पे हम आपसे जुड़ेंगे, लगातार हमारे साथ बनाए रखिएगा। जिस तरीके से देखे, 7 दिसंबर को रायपुर प्रवास पर रहेंगे प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और संगठन और कैडर की स्थिति का जायजा लेने के लिए और कार्यकर्ता मजबूत करने के लिए पहुंचेंगे। रायपुर से ही एक और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है और सीमावर्ती जिलों से प्रदेश में घुसपैठ कर रहे हैं कोठे। राज्य की सीमा पर प्रशासन डटा हुआ है, धान खपाने आ रहे कोचियों पर जमकर कार्रवाई भी हो रही है। दर्जन भर जिलों से 50 से अधिक मामले अब तक सामने आए हैं, 35 स्थानीय और 17 अंतर्राज्यीय कोचियों की धरपकड़ भी हुई है। बैठक में 6,500 क्विंटल से अधिक धान जब्त भी किया गया है। और लगातार शिवम हमारे से बने हुए हैं। शिवम, लगातार कोचिय अपना धान खपाने की या फिर बेचने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है और क्या कुछ रणनीति प्रशासन ने बनाई उन्हें रोकने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी, इस तरीके से 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और आज चौथा दिन धान खरीदी का है। कल तीसरे दिन तक 4.10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी राज्य सरकार इस वक्त कर चुकी है, जिसमें 39,832 किसानों ने 239.65 करोड़ रुपए का भुगतान उन्हें किया जा चुका है। तो 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर और अधिक दर पर यहाँ पर धान खरीदी की जा रही है किसानों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार एक तरीके से किसानों के लिए काफी मददगार साबित होते हुए नजर आ रही है। अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ज्यादा कीमत पर धान खरीदा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए इस वक्त कोचियों की घुसपैठ भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि राज्य सरकार की शुरुआती समय से ही ये तैयारी थी, रणनीति बना चुकी थी कि जिस तरीके से राज्यों की सीमाओं पर वहां पर प्रशासन को डटे रहना है, वहां पर तमाम चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं कि अन्य राज्यों से यहां पर धान लेकर के घुसपैठ ना कर सके कोची। इसके साथ ही बीते 3 दिनों पर लगातार कार्रवाई भी की गई है, जहां पर दर्जन भर से अधिक जिलों पर 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, 35 स्थानीय और 17 अंतर्राज्यीय कोचियों की धरपकड़ भी हो चुकी है, जिनके पास 6,000 क्विंटल से अधिक का धान जब्त किया जा चुका है अब तक। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शिवम।
और आपको बता दें कि सीमावर्ती जिलों से प्रदेश भर में घुसपैठ जारी है। धान खपाने आ रहे कोठियों पर प्रशासन का डंडा भी चल रहा है। 6000 क्विंटल धान अब तक जब्त किया जा चुका है। सीएम शिवराज आज करेंगे।